Students of class 7, myself Arisam, as usual your science teacher. To continue the topic, chapter ka heading nutrition in plant based, the topic chal raha tha, plants ke baare mein hum log discuss kar rahe the. Aaj uska last part tha, uska baare mein discussing ho raha hai, symbiotic plant. Symbiotic ka matlab kya hai, ek dusre ka madad karna. Ye kuch dega, wo kuch dega, dono mil ke जिंदगी चलाएगा तो दैट इज सिंबायोसिस। तो ऐसा कुछ प्लांट में भी है जो पूरा का पूरा अकेले काम नहीं कर सकते और किसी का मदद चाहिए, जो मदद करेगा वो उसमें कुछ कमी होगा, तो एक दूसरे का कमी को पूरा करके दोनों सर्वाइव करते जिंदा रहते, दैट इज द प्रोसेस मीन्स सिंबायोसिस। प्लांट में हम देखेंगे सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते एंड शेयर बोथ सेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। सेल्टर मतलब रहना, बना देना, एंड न्यूट्रिएंट तो फूड है, एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं, एक साथ रह के एक्सचेंज करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिंबायोसिस। सिंबायोसिस का मतलब एक दूसरे को मदद करना, दोनों का जो कमी है वो एक दूसरे में मिल के पूरा करेंगे और दोनों ही जिंदा रहेंगे। तो एग्जाम्पल करूँगी, आप कुछ बताओ, दो एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाए। सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ फंगस या फंगी ऐसा भी है जो प्लांट का रूट में रहता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। उस फंगस जो प्लांट का रूट में था, प्लांट ने उसको क्या दिया, क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट, जो खाना बना लिया था बदले में, तो फंगस क्या देगा, प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट में रहता है उस सर्टेन प्लांट का, सर्टेन फंगस की जो बात कर रहे हैं, वो फंगस खाना नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस रूट से, उस रूट में रह के जमीन से, सॉइल से, मिट्टी के नीचे से वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट को दे देता है, प्लांट उसको बना के उसको खिलाता है। तो इस तरह के दोनों में एक्सचेंज होगी, दोनों ही जिंदा रहेंगे, फंगस भी जिंदा रहा, प्लांट भी जिंदा रहा। वंस अगेन आई रिपीट दिस वन फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो लीचेन। अब नाम तो सुने, लीचेन आर द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर के साथ मौजूद रहते हैं, व्हिच इज एन एल्गा एंड फंगस। दो हो गए, एल्गा और फंगस दोनों मिलके रहते हैं एक साथ लीचेन के रूप में, लिव टुगेदर। द फंगस क्या करते हैं, फंगस प्रोवाइड सेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। फंगस क्या दे रहा है, एल्गा को सेल्टर बना दे रहा है, वाटर और मिनरल्स को भी कलेक्ट करके दे रहा है टू द एल्गा एंड इन रिटर्न। इसका मतलब है एल्गा क्या देगा उसको, द एल्गा प्रिपेयर फूड टू द फंगस। एल्गा ग्रीन है, एल्गी ग्रीन होता है, इसलिए ग्रीन होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन फंगस ग्रीन नहीं होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर रहे, इसके वजह वो सेल्टर वाटर और मिनरल्स को मेट कर दिया और फंगस ने उसका वो चीज लेके अपने खाना बना लिया। तो ये दो एग्जांपल हम देख लिए, दो गैर एग्जांपल हम देख लिए सिंबायोसिस प्लांट का। थैंक यू। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। बार बार क्रॉपिंग करने से, खेती करने से क्या होता है, मिट्टी में जो पावर है वो फर्टिलिटी पावर है ये खत्म होते जाते हैं। तो मिट्टी में ऐसा कुछ मिक्सअप होना चाहिए, ऐसा कुछ मैनुअल हो या फर्टिलाइजर हो जो भी हो, उसको हम मिक्सअप करते हैं, उसका फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं, ऐसा भी प्रोसेस है। या ऐसा कुछ प्लांट भी है, ऐसे भी क्रॉप भी कुछ है जिसे अगर लगा दे, जैसे बेंगलोर में चना हो गया, मटर हो गया, पी हो गया, अगर उसको दो बड़ा खेती के बीच में अगर
इस तरह का प्लांट को लगा दिया जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली जो उसमें नाइट्रोजन, अब सॉइल का फर्टिलिटी कम क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो भी है मिनरल्स उसकी मात्रा कम हो जाती है। आप उसको मात्रा पूर्ति करने के लिए आइदर हमें मैनुअल का यूज़ करना पड़ेगा या जो केमिकल खाद है जिसे फर्टिलाइजर बोलते हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा, अन्य तो कुछ ऐसा प्लांट्स को ऐसा क्रॉप को लगाना पड़ेगा जो खुद ही नेचुरली वे पे मिट्टी को और भी फर्टाइल कर दे। तो लेट अस देखते हैं बुक्स अबाउट इट इन द प्रेजेंट टाइम, अभी जो टाइम है वी नीड हाई यील्ड क्रॉप, हमें और ज़्यादा ज़्यादा फसल बड़े पैमाने पर चाहिए ताकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा रोटी चाहिए तो ज़्यादा गेहूँ चाहिए तो ज़्यादा देगी और क्रॉप्स तो भी और नीड हमारी जो जरूरत है फूड की जरूरत है सबके लिए खाना चाहिए रोटी चाहिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना पड़ेगा। सो इट बिकम्स नेसेसरी अब जरूरी हो गया टू रिप्लेनाइज द सॉइल न्यूट्रिएंट्स बाय एडिंग मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर, ये जरूरी हो गया जो मिट्टी को और रिप्लेनाइज कर दूँ फिर से दोबारा फर्टाइल कर दूँ जिसके मदद से एडिंग करके मैन्युअर देके और मतलब फर्टिलाइजर देके दिस कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन पोटासियम एंड फॉस्फोरस, ये जो बात हो गई इनकी केमिकल नाइट्रोजन पोटासियम एंड फॉस्फोरस ये तीनों का कमी हो जाता है बार बार खेती करने से, तो ये तीनों को फिर से मिट्टी में मिक्सअप करने के लिए मैनुअर या फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है विच प्लांट्स रिक्वायर्ड टू ग्रो वेल, प्लांट्स के लिए काफ़ी जरूरी है नाइट्रोजन काफ़ी जरूरी है पोटासियम काफ़ी जरूरी है फॉस्फोरस, जबकि ये अगर तीनों मिल जाए तो प्लांट हेल्दी हो सकता है ग्रोन अप सही हो सकता है, तो ग्रोन अप अगर सही होगा हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली उसमें जो सीरियल दाना आएगा खेत फसल आएगा सही जाएगा। अब जो बात टॉपिक हम आ रहे हैं एक नेचुरल वे जो प्रकृति का नियम के अकॉर्डिंग टू रिप्लेनाइज द सॉइल मिट्टी को रिप्लेनाइज करना फिर से फर्टाइल करना विद नाइट्रोजन देके इस थ्रू द सिंपैथेटिक एसोसिएशन, हम लोग सिंपैथेटिक अभी सीख लिए ना एक दूसरे में मदद करते हैं वो प्रोसेस कैसे आ रहा है एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है जो रूट में रहता है स्पेशली बंगाल ग्राम चना या पी मटर का रूट में ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। हाँ एंड लेगोमिनियस प्लांट, अब लेगोमिनियस प्लांट मतलब कोई हो गया मटर हो गया बीन्स हो गया चना हो गया इस तरह का प्लांट को अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा ये जो राइजोबियम है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो रूट पे रहता है इस सब प्लांट की वो जमीन का नीचे जो है डिसॉल्व नाइट्रोजन है वाटर के साथ डिसॉल्व है वो कलेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट जो है ना एयर में जब ये बात तो सही है सबसे नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर ओवर 17% एटमॉस्फेयर में है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है प्लांट उसको इंटेक नहीं कर सकते इस तरह का कोई कैपेसिटी पावर नहीं है प्लांट के बाद, वो डिपेंड करेंगे जमीन के नीचे ये नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट जमीन के नीचे जाएगा पानी के साथ घुल मिल जाएगा और वो पानी जब कलेक्ट होगा तो उसका साथ ये नाइट्रोजन चीज भी आ जाएगी, तो ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है जो चना का रूट में रहता है जो मटर के रूट में रहते हैं जो बीन्स का रूट में रहते हैं ये क्या करते हैं वाटर को वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन को भी कलेक्ट करते हैं जो डिजॉल्व वे में है पानी का साथ डिजॉल्व रूप में है वो नाइट्रोजन कलेक्ट करके वो प्लांट को भेज देते हैं, तो प्लांट भी ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्दी होते जाता है ग्रोन होते जाता है फसल खूब आते हैं। तो ये था टॉपिक रिप्लेसिंग द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।